उनका फीडबैक लें। और यूजुअली जो होता है फिल्मों की जो फर्स्ट कॉपी है वो टाइम लगते हैं बनाने में, लेकिन इस बार हमारे डायरेक्टर पहले एक फिल्म के साथ बिजी थे तो हमें इतना ट्रायल्स करने का वक्त नहीं मिला, लेकिन अभी कल से ट्रायल शुरू हो रहे हैं तो हम फिर बहुत ही एक्साइटेड कह लीजिए कि हैं कि दिखाएं सबको फिल्म। ऐसा सोच रहे हैं कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी दिखाएं सबको। किन किन को इनवाइट किया आपने इंडस्ट्री? अमूमन आपकी जब भी आपकी कोई फिल्म आती है आप स्पेशल स्क्रीनिंग का हिस्सा रहते हैं, जी ये बात अलग है, रोड पे खड़े रहते हैं लेकिन करते हैं कवर। ये बात क्या कि रोड पे खड़े तो किन रहते लोगों हैं? को बुलाने वाले हैं आप और कौन कौन लोग आने वाले हैं? मैंने बुलाया, बोला बोल दो सबको नाम। हाँ, मैंने अब की बार बुलाया ही नहीं किसी को, ये बुला रहे हैं क्योंकि ये सब बहुत सोशल बटरफ्लाई हैं, इनके ये सोशल मीडिया पे सारा दिन लगे रहते हैं। और नहीं, मैंने सबको बुलाया जिन जिन मतलब गड्डी बड्डी एक ऐसी फिल्म है जो हम लोग भी हम लोग सब सेलिब्रेट करना चाहते हैं। जैसे कंगना ने कहा कि अब तक दिखाया नहीं किसी को, मतलब सब जानते किस किस को दिखाया है, तो काफ़ी चर्चा हो रही है जिन जिन जिनके बारे में जिनको हम लोग ने दिखाया है, पर अभी कल से दिखाना शुरू करेंगे तो सब आ रहे हैं। कंगना के पुराने डायरेक्टर्स मेरे जो दोस्त हैं, विक्रम मोटवानी, विकास बहल, आनंद जी, राजू, तो यूटीवी ये भी प्रोड्यूसर है फिल्म के, तो उन्होंने भी बुलाया है, सारे लोग को बुलाया है जिन जिनको जिनके साथ इन्होंने काम किया है, मैंने मेरे दोस्त भी हैं जिन जिनके साथ इमरान ने काम किया है, तो सब सब आ रहे हैं, सब सब कह रहे हैं कि वी लव द प्रोमो, देखना चाहते हैं, तो हाँ मतलब वी कॉल एवरीबडी। क्वीन के दौरान अमित जी ने एक हाथ से लिखी ऑफिशियल लेटर आप तक पहुंचाया था और आप कट्टी बट्टी आ रही है, क्या अमित जी को बुलाना चाहेंगे कट्टी बट्टी देखने के लिए? मैंने बुलाया है उनको, मैंने अमित जी को बुलाया है, और अमित जी थोड़े बिजी है पर ट्राई करने की जरूरत, ट्राई करेंगे। इतना सुख होता है ना ऐसे डायरेक्टर का जो सोशल बटरफ्लाई है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, हाँ क्योंकि विकास इज अनदर सोशल बटरफ्लाई। आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आप घर पे बैठिए और ट्रायल खुद विकास बहल है, टेलिंग यू ही इज ऑल्सो ही हेल्प सो मेनी ट्रायल्स। मैं अपने घर पे बैठी थी और इतने फोन मैसेज खुद ही आ रहे हैं, कुछ नहीं करना पड़ रहा, तो आई एम वेरी हैप्पी कि आपको नहीं तो यू फील सो रिस्पॉन्सिबल। एंड स्पेशली थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, सारे साल आप दिखते नहीं है ना सोशल मीडिया पे, ना किसी से बात करते हैं, और ट्रायल के टाइम पे फोन करते हैं तो नेचुरल अजीब भी आप भी ऑकवर्ड हो जाते हैं, दूसरा इंसान भी ऑकवर्ड हो जाता है कि अरे कहाँ से उभर के आई ये लड़की। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है कि खुद देख रहे हैं सब कुछ। नहीं, मैं हम लोग दिखाना चाह रहे थे, बट लिप टू लिप जो गाना है वो स्टॉप मोशन वाला गाना है, हमने पहले भी बात की उसके बारे में, तो उसका पोस्ट प्रोडक्शन काफ़ी चल रहा था, फाइनली संडे को ख़त्म हो चुका है पोस्ट प्रोडक्शन, संडे को कॉपी निकली है, नाउ वी आर रेडी टू स्टार्ट शोइंग द फिल्म। आमिर सर सीन द फिल्म सो व्हाट इज सर उनको, हाँ आमिर भी हिस्सा होंगे कट्टी बट्टी के सर, आमिर सर एंड द एंटायर यूनिट ऑफ दंगल इज वॉचिंग द फिल्म इन थर्सडे, एट थर्सडे इन लुधियाना, वो अभी वहाँ पे है, वहाँ पे वो दंगल शूट कर रहे हैं दंगल ना वहाँ पे, का तो शूटिंग उन्होंने शुरू हो रहा है, तो ही बुक द थिएटर इन लुधियाना, ही इज वाचिंग इट विद द एंटायर यूनिट। एंटायर यूनिट एंड योर क्वेश्चन वाज व्हाट वाज हिज रिएक्शन? ही लव्ड द फिल्म। आई बिफोर आई लेफ्ट फॉर पेरिस आई स्पोक टू हिम एंड ही सेड कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लव स्टोरीज दैट आई हैव सीन, एंड आई एग्री विद हिम एंड आई फील इट्स वेरी इंटेंस एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। थापा इमरान, दिस इज योर अरे हाउ आर यू? हाय, हाउ आर यू? हे हाय, दिस इज योर फिल्म क्वाइट अ व्हाइल, व्हाट इज गोइंग थ्रू योर माइंड एट दिस पॉइंट इन टाइम? एन वेरी अनयूजुअल डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस बिकॉज आई एम इन अ वेरी रेयर पोजिशन वेर आई हैव सीन द फिल्म वेल इन एडवांस एंड आई नो एग्जैक्टली वॉट वी हैव इन हैंड एंड आई हैव अ वेरी हाई डिग्री ऑफ पर्सनल सेटिस्फैक्शन विद द फिल्म वेर आई फील इट्स कम आउट एग्जैक्टली द वे दैट वी हैड ऑल होप्ड इट वुड. I don't feel that we have fallen short. I don't feel that any part of it has been compromised. It is, in a sense, the best possible expression of our creative sensibilities. So, I'm happy. I'm confident. But do you think that, you know, if you look at the first promos of the film, I mean, they're fantastic. I mean, they got a lot of buzz when they first launched. Do you think India is ready to see a film on a live-in relationship? You know, I mean, because considering we are a had a live-in relationship, but it's not about that. We are not defending, we are not against, we are not for, we are not saying ke acha hai bura hai kuch bhi. उसको तो शादी करनी है, बिगनिंग से ही शादी कर, मिनट ही सीज हर ही से शादी कर ले, लड़का ना जो पीछे पड़ हाँ, जाता है पहले दिन से कहता है, पहले दिन से कहता है उसके बेस्ट फ्रेंड बॉय, बेस्ट फ्रेंड से कहता है कल ही तो मिला है तू, शादी करनी है यार, तो ही शादी फॉर हिम एवरीथिंग इज अ कॉम्प्रोमाइज, बहुत संस्कारी लड़का हाँ, वेरी अनकूल,
वो शी सेज वी लिव इन टुगेदर, हाँ ठीक है, बट एज 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 लॉन्ग एज ही कैन बी विद पायल दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो इट्स नॉट रियली अबाउट लिव इन रिलेशनशिप, इट्स अबाउट लाइक इट्स अबाउट द ऑब्सेसिवनेस ऑफ लव एंड वॉट लव कैन मेक यू डू. And that, I mean, sounds very cliche, no, but no, just watch it, yaar. Abhi ek din hai gaya. Itna. Abhi dekh lo, yaar, Bhagwan. That we reached that point, yaar. No, no, no. You know, see the thing with this. No, the thing with this film is that it has a lot of element that we can't reveal, and our the promotions have been so demanding. As in, I am trying to explain my character, which I can't explain. Yeah. And they are trying to talk about a film which has to be completely kept under wrap, all for you all, you know, everything is for you all, because honestly the experience that I had while having the narration, I was like, wait, you know, I was a bit on the fence about everything. Is it a love story? Is it a tragedy? Is it going to be a slice of life? And that sort of anticipation and intrigue kept me on the edge of my seat. Yeah. And we want the same experience, audience to have the same experience. And we've tried so hard, and so many times we had this feedback that, you know, film looks very close. Sometimes it's getting image of rom-com. Then we'll get stressed. Our marketing team will have meetings. Then it'll, you know, something will come out, get leaked, and then again we'll have meetings. So we just don't know how to, you know. And this film, like, honestly, is so beautiful. I think everyone should see it, just to believe in the beauty of life. You know how mm-hmm. ugly life can be, and how beautifully characters can react to it. It's so inspirational, and I want people to just see it, like you just see it now, you know. But Nikhil, you know, considering your last release is just 2 weeks old. I mean, 1 week, one 3 days, week, 4 days. By the time this one released, yeah. It will be like, yeah, 1 week. But yeah, 1 week actually. But do you think it's too close? A release, I mean, would you expect it? Are you seeing my halat? Yeah, no, it's not a designed ideal scenario at all. I mean, I think that Hero got pushed from July, and it came over here because everybody felt that Bajrangi Bhaijaan should be Salman's first home production, and yeah, we should piggyback on that. So it's not an ideal scenario, but having said that, yeah, the numbers of Hero holding, so I'm not complaining. But how difficult was it for you to juggle between the two films? I didn't juggle. Some of the promotions were no. all simultaneously. The promotions have been yeah. going on simultaneously. Luckily for me, in both cases, I was just completing both the films. So I told both people that, listen, I'm film complete kar raha hu. Aap log promote karo. So I actually got into the college portion in during Diwali. So that was the only 7 day overlap that was there. Seema, but tell me one thing. My first ever interview that went viral was way back in 2013 with Anupama. You know, but the thing is that I've been always the way I am, you know, and it's just that now people are finding all these things so exciting, which is a bit of a revelation for me. It was back then also, but I was always this person, and I don't know what is so refreshing about it now, but I just don't know how to be any other way, I'm, you know. But we like viral. We like viral. Have you ever tried to get both of them on digital platform? Because, you know, it's such a... I beg you to ask them this question. I did it. I signed up for Instagram. I'm not very good at updating. I go 2-3 days and I forget. Then I say, arey yaar, maine kuch upload nahi kiya hai, toh jaldi se. Forget you had an account. Yeah. अरे आई एम द ओनली वन हू इज रीट्वीटिंग. मैं रीट्वीट कर रहा हूँ. पीपल आर सेइंग स्टॉप रीट्वीटिंग द सेम पोस्ट. So I'm trying to be more conscientious about Instagram. I'll get there. But why aren't the two of you on Twitter or Facebook? I mean, it's a huge platform now. I find that it exposes you to the worst of humanity. When people have humanity. When people have anonymity to hide behind, when they have a username, I find that they speak in a way that they would not speak to a human being. It brings out an unusual amount of ugliness, of spite, of venom. And I find that seeing that side of people depresses me. They don't need to be hiding behind anything nowadays. They just... you get a much worse for glimpse me, of them. And like, it's, you know, depressing. I feel that my characters are so demanding. I don't even get time for my family. And why are you laughing?
No, I mean, honestly, when I was playing Datto, I was missing for like 6 months. I would just see my phone ringing and I would see my mother's name flashing and I'm like, should I take it or should I not? Should I take it or should I not? And that's the kind of life I live with Payal. It's been scarring. It's been like an experience of a lifetime. And this is the, again, same thing. And my sister, my team comes to me like, we have one question, can we ask you? And I'm like, no, you can't. So this is the dedication that I give to my roles. And that goes on for like sometimes 2 weeks, sometimes 2 months. With Payal's character, as Nikhil sir, I was like, for 10 days, I was like without food, without water, without any contact. Where does social media exist in all of this? Yes, and you are working for them, you know, for them. But I don't, when I, as a person, don't have a personal life, what do I offer you as Kangana? I have things to offer you as Payal or Datto or Tanu or any of my character. But then when I work on them, I get completely empty as a human being. So I really have nothing fancy to offer you. As I see most people, hey, you know, they have this muesli I had this morning. But I think the point they're trying to make is that you'd be as entertaining as Rishi Kapoor on Twitter. So I mean, that you would not hold back at all. यादें तो फिल्म शूट हुई है पूना में जहाँ पे फिल्म कॉलेज के कैंपस के कॉलेज में लोकेशन जो वहाँ वो था अहमदाबाद में शूट किया क्योंकि मैं अपने सारे फिल्म अहमदाबाद लेके जाता हूँ और डीडे भी लेके गया था तो वी टुक दिस ऑल्सो टू अहमदाबाद और मुंबई के सारे लोकेशन. मुझे लगता है कि पहली बार जब मैंने फिल्म देखी तो मैं इनको हमसे चिढ़ाती हूँ. मैंने कहा पहली बार एक अमीर डायरेक्टर ने मुझे शूट किया है जो एक इनका जो स्कूल है कल होना हो जो आई थिंक आई कॉल देम ऑल ग्लॉसी डायरेक्टर्स जो और हम जो है थोड़ा सा रॉ एज. हाँ तो इट इज़ लाइक उसमें वो हमारा एलिमेंट है थोड़ा सा एजी और रॉनेस का. लेकिन आप फिल्म जब देखते हैं तो बड़े खूबसूरत लोग और मेरे बाल स्ट्रेट करने में 2 घंटे लगते थे रोज सुबह. तो इन्होंने बड़ा बजट था इनका मेकअप का हेयर का तो बहुत अच्छी फिल्म बनाई है इन्होंने. और नहीं मतलब कैन आई से दैट दैट आवर हेयर पर्सन वाज फ्रॉम फ्रांस. मतलब द हेयर स्टाइलिस्ट वाज फ्रॉम फ्रांस और वी हैड डन वन स्केड्यूल. और मुझे तो पता भी नहीं था कंगना वैन के बाहर आती थी. शी लुक गॉर्जियस. मुझे पता भी नहीं था कौन कर रहा था. वी डिसाइडेड टू दैट थिंग दैट सडनली द हेयर पर्सन वाज नॉट अवेलेबल. तो मुझे एम्बेसडर को फोन करना पड़ा. आई हैव टू कॉल आउट द इंडियन एम्बेसडर इन फ्रांस टू मेक श्योर दैट द हेयर पर्सन वाज गिवन द वीजा टू कम बैक इन टाइम फॉर द शूटिंग. ही इज आस्किंग मी कौन ऐसे आप समझ में नहीं आ रही. दिस इज द बिगेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट इन फ्रांस.